हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले हैं। मीन्स हम टॉर्क की इक्वेशन डिराइव करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12th का सिलेबस विद सम अमेजिंग एनिमेशन सिमुलेशन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमको टॉर्क की इक्वेशन डिराइव करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में। और हमको पता है कि अगर एक पार्टिकल पे टॉर्क एक्ट हो रही है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। यहाँ पे आप जो इक्वेशन में लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये टॉर्क वेक्टर है, राइट साइड में आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो वेक्टर आर क्या है? वेक्टर आर इज द पोजिशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड वेक्टर एफ इज द फोर्स। हमको एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल की पोजिशन तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ये वेक्टर आर वन हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे सेकंड पार्टिकल है उसका मास है एम टू और एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम वो पार्टिकल की पोजिशन ये है, तो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेकंड पार्टिकल की पोजीशन तक एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ और वो वेक्टर हो जाता है आर टू। ये आर टू क्या इंडिकेट कर रहा है? सेकंड पार्टिकल की पोजीशन, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल। ऐसे ही nth पार्टिकल की पोजीशन कुछ ये है। अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है तो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और ये वेक्टर को मैं वेक्टर आर एन बोलूंगा। तो ये जो वेक्टर आर वन आर टू और आर एन देख रहे हो इसको ही हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। फोर्स जो एक्ट हो रही है पार्टिकल पे जब ये बॉडी रोटेट होगी, आर जो है पोजीशन वेक्टर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल की पोजीशन तक है और एफ टेंजेंशियल रहेगा। तो अब अगर हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है ये टॉर्क का फॉर्मूला, तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू product of the magnitude of F and R into sine of the angle between them. Torque का formula हो जाएगा F R sin theta. ये vector form में है, ये equation को हम magnitude form में कुछ ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे theta क्या है? Theta is the smaller angle between the direction of F and vector R. Vector F और vector R के बीच का एंगल है। तो वेक्टर एफ की जो डायरेक्शन है फर्स्ट पार्टिकल पे जो फोर्स है वो टेंजेंशियल है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये आर वन के लिए हम जो एरो बनाए हैं और जो एफ वन का एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं थीटा। ऐसे ही आर टू जब हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे और ये एफ टू जो है ये दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा बोलेंगे। ऐसे ही आर एन और एफ एन के बीच के एंगल को हम थीटा बोलेंगे, स्मॉलर एंगल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर वन रेडियस है और एफ टेंजेंशियल है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा बनता है 90। ऐसे ही एफ टू और आर टू वेक्टर के बीच के एंगल 90 रहेगा, आर एन और एफ एन के बीच के एंगल हमेशा 90 रहने वाला है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थीटा जब भी हम मेजर कर रहे हैं तो 90 डिग्री मिल रहा है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? टॉर्क इज इक्वल टू एफ इन टू आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब ये जो फॉर्मूला है यही यूज करके हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे आप इक्वेशन में देख सकते हो एफ है फोर्स और R है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमारे पास I नहीं है, बट हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन टॉर्क की इक्वेशन निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में। मतलब इक्वेशन में हमको I चाहिए।
तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन और हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी रोटेट हो रही है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो m1 m2 mn ये है मासेस ऑफ द पार्टिकल, और r1 r2 और rn ये मासेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑल दीज पार्टिकल्स परफॉर्म UCM दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद द सेम एंगुलर एक्सीलरेशन बट विद डिफरेंट लीनियर एक्सीलरेशन। अब जब ये बॉडी रोटेट होगी और रोटेशन में सेट करने के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसको ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ये हम आगे के पार्ट में और अच्छे से समझ लेंगे फोर्स और टॉर्क में क्या रिलेशन है। तो अभी कंसिडर कर लेते हैं कि ये बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई किया और बॉडी को रोटेशन में सेट कर दिए। तो जब बॉडी रोटेट हो रही है तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो अल्फा है, अल्फा इज योर एंगुलर एक्सीलरेशन, और यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन हर पार्टिकल का सेम रहेगा। बट लीनियर एक्सीलरेशन की जब हम बात करेंगे तो लीनियर एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा। क्यों लीनियर एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा, क्योंकि हमको रिलेशन पता है कि लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर एक्सीलरेशन। अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए ये जो r1 की वैल्यू है, सेकंड पार्टिकल के लिए जो r2 की वैल्यू है, और nth पार्टिकल के लिए जो rn की वैल्यू है, ये सब वैल्यूज डिफरेंट रहेगी। r1 r2 और rn डिफरेंट मिलने वाला है। तो जब डिस्टेंस उनका r की वैल्यू चेंज हो रही है तो a की वैल्यू भी चेंज होगी, बट सबके लिए अल्फा क्या रहने वाला है, सेम। फोर्स का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू ma। तो अब फर्स्ट पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है या फर्स्ट पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो है F1 is equal to M1 A1। तो A1 की जगह R1 अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास अब इक्वेशन हो जाएगी M1 R1 अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला है F1 R1। फोर्स की जगह मैं क्या पुट किया, पहले MA पुट किया, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ए की जगह फिर मैं क्या पुट कर देता हूँ, ए की जगह मैं आर अल्फा पुट कर देता हूँ। तो M1 R1 अल्फा इंटू R1, और ये दो जो R1 इंटू R1 है ये हो जाएगा R1 स्क्वायर। तो अब हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी M1 R1 स्क्वायर अल्फा। ये जो फॉर्मूला है ये टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल के लिए जैसे हम कैलकुलेट किए है टॉर्क, सिमिलर मेथड से सेकंड पार्टिकल के लिए भी टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, और टाउ टू इज इक्वल टू एफ टू इंटू आर टू विच इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ एफ टू की जगह मैं एम ए लिख दिया, सेकंड पार्टिकल के लिए M2A2 रहेगा, और फिर A2 की वैल्यू क्या है, R2 अल्फा है। तो यहाँ पे R2 और R2 मल्टीप्लाई होगा और हमको R2 स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब सेकंड पार्टिकल पे जो टॉर्क एक्ट हो रही है वो है M2 R2 स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्टिकल के लिए भी टॉर्क कैलकुलेट कर लिया जैसे फर्स्ट और सेकंड के लिए कैलकुलेट किया था, और मेरे को मिल गया M3 R3 स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही हम हर पार्टिकल का टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास जो पार्टिकल है 41th पार्टिकल का टॉर्क क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, M41 R41 स्क्वायर अल्फा। 41th पार्टिकल का मास, 41th पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका स्क्वायर इंटू अल्फा। ऐसे ही हम nth पार्टिकल का कैलकुलेट कर लेते हैं, और nth पार्टिकल पे जो टॉर्क एक्ट हो रही है टाउ एन इज इक्वल टू एफ एन आर एन इज इक्वल टू एम एन ए एन आर एन। सिमिलरली मैं कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे मेरे को एम एन आर एन स्क्वायर और ये अल्फा मिलेगा। यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है, अल्फा। तो nth पार्टिकल पे जो टॉर्क एक्ट हो रही है एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हर पार्टिकल पे जो टॉर्क एक्ट हो रही है वो हमको पता है। हर पार्टिकल की टॉर्क अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल टॉर्क मिल जाएगी टाओ, दैट इज द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द ईच पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल की टॉर्क प्लस सेकंड पार्टिकल की टॉर्क प्लस nth पार्टिकल की टॉर्क।
और फर्स्ट पार्टिकल की जो टॉर्क है एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा है, सेकंड पार्टिकल की एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा, एंथ पार्टिकल की एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे मैं हर पार्टिकल की टॉर्क अल्फा को कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में मिलेगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर एफ टू एम एन आर एन स्क्वायर, अल्फा को यहाँ पे कॉमन ले लिए है। अब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म देख रहे हो आप एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर अप टू, यही फॉर्मूले को हम समेशन साइन के साथ कैसे लिखेंगे, समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, और यही फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मैं ब्रैकेट की जगह आई लिख दूंगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में। हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे ए था लीनियर एक्सीलरेशन लीनियर मोशन में, अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो दोनों ही एक्सीलरेशन के टर्म है। यहाँ पे हम फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं एम ए, यहाँ पे हम टॉर्क का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो जो रोल फोर्स का लीनियर मोशन में होता है वही रोल टॉर्क का रोटेशनल मोशन में होता है। अब लीनियर मोशन में मास होता है बट रोटेशनल मोशन में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो आपके स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम।